इस बार किसकी सरकार? अभी हमारे अखिलेश यादव जी सरकार बनेगी। और भाजपा कहाँ जाएगी? भाजपा हम जाएगी, पहले था मोदी जी चाय बेचा था ना, अब वो चाय वाले बच्चे जो हैं जी हमारे दिन में उतरा रहे हैं, दरी तो सता रहे हैं। अच्छा। तो हमारे दिन में लेंगे। मोदी जी, अखिलेश यादव, राहुल जी, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हम अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी को जी। क्या चीज? जी आर पी वालों ने पता लिया था। अच्छा। तो मेरा न्यूज एकदम वायरल हुआ था। हाँ। तो राष्ट्रीय जज जी हमको बुलाए थे, सम्मान दिए थे जी, मिले हैं, हाल चाल पूछे हैं। हाँ। फिर हमारे घर पे आने के लिए बोले, हमारे घर पे बोले थे तुम्हारे घर पे हम आएंगे जी। मोदी जी कैसे हैं? मोदी जी एकदम बेकार है, गरीब बताइए, टमाटर मरचा उड़ता कितना आसमान छू रहा है, आप उठो पड़ रहे हैं एकदम महंगाई कर रहे हैं, राम मंदिर बन जाएगा जी, फिर जनता क्या चाहेगी, जनता सहने भी न मिले जी। जी योगी बाबा को 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं आप? हम एक तो नंबर नहीं, एक नंबर नहीं देंगे, ऐसे क्यों? बहुत नाराज है आपको लगता है। योगी जी का अगर कोई काम आपको पसंद आया हो तो बता दीजिए। दो ही काम नहीं है बात, यदि हमारे राष्ट्रीय जज जी जी ये हाईवे एकदम बढ़िया बनवाए हैं, आदरा को हर वर्ग के लोग दिख जाएंगे, चाहे बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो। लेकिन यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है, लाल टोपी या और गले में ये हरा लाल का कॉम्बिनेशन गमछा, लाल का मतलब क्रांति, क्रांति यानी समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना ये निशान रहा हुआ है। क्या नाम है आपका बाबू? नौरतन यादव। नौरतन, यहाँ पर क्या करने आए हैं? राष्ट्रीय जज जी से मिलने आए हैं जी। अखिलेश यादव जी से मिले? हाँ, हम तो हमेशा मिलते रहते हैं, अखिलेश भैया तो सम्मान भी देते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि 2024 में मोदी जी, अखिलेश यादव, राहुल जी, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हाँ, अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी को जी। क्या चीज पसंद आ गई अखिलेश यादव में? अखिलेश यादव जी गरीब की सेवा करते हैं, गरीब की मदद करते हैं। क्या बात है, काफी में गरीब तो देखिए राष्ट्रीय जज जी सबका सम्मान करते हैं, बूढ़ जवान सबका सम्मान करते हैं। उत्साह देख सकते हैं आप इनका, अखिलेश यादव जी से मिलने आए हैं, जो लगातार मिलते हैं। मैं अतेल गया था, मैं तो नेता जी का ध्यान हुआ था जी जी, तो मैं अतेल अपने घर से महाराजगंज। अच्छा, कानपुर वाला जो कानपुर नहीं, मेरा घर है नौतनवा विधानसभा गोरखपुर से 50 किलोमीटर है जी। तो मैं अतेल चल दिया था नेता जी। मैनपुरी गए थे आप? मैनपुर नहीं है, जो जी आर पी वालों ने पता लिया था। तो मेरा न्यूज एकदम वायरल हुआ था, तो राष्ट्रीय जज जी हमको बुलाए थे, सम्मान दिए थे। एक बिल्कुल एक तस्वीर आपको याद होगी, जब नेता जी का क्या बोलते हैं देहांत हुआ था, उस समय काफी ज्यादा वायरल हुआ था, पुलिस वालों ने पकड़ा था, जिद थी कि हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम मिलकर ही आएंगे। और इनसे मिले हैं, डिंपल भाभी से मिले हैं? सबसे मिले हैं। चाचा शिवपाल, यहाँ पर जो आप आए हुए हैं, तो नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश, क्या बात हुई जी? मिले हैं, हाल चाल पूछे हैं। हाँ। फिर हमारे घर पे आने के लिए बोले, हमारे घर पे बोले थे तुम्हारे घर पे हम आएंगे जी, फिर हमारे घर पे आएंगे बोले थे जी। यहाँ पे एक चीज देखा जाता है, नेताओं से अगर मिलने जाओ तो पुलिस वुलिस वाले रोक लेते हैं, वो जो उनके साथ बाउंसर होते हैं बाहर फेंक देते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे कोई रोका टोका? हम तो नहीं रोकता, हम तो सब जानते हैं। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल भी दिए हैं जी, तब भी आई तो अंदर भेज दिया जाए, हम दुल्हन दें दुल्हन मिलते चले जाए। मोदी जी कैसे हैं? मोदी जी एकदम बेकार है, गरीब एकदम बेकार है। वो तो कहते हैं हम तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दिल में बैठे रहते हैं, आपके दिल में नहीं है? हमारे दिल में उतरा रहे हैं, दरी तो सता रहे हैं। अच्छा। तो हमारे दिल में लेंगे। मतलब बहुत खफा हैं आप वो मोदी जी से? एकदम बहुत, बताइए टमाटर मरचा उड़ता कितना आसमान छू रहा है, आप उठो पड़ रहे हैं एकदम महंगाई कर रहे हैं, फिर आप दूरानंद मंदिर में जाएंगे जी, आप तो यादव जैसे आप तो समाजवादी जैसे आप तो मंदिर त्रिशाल दिया जाएगा जी। यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और आप टमाटर की बात कर रहे हैं, टमाटर और लहसुन प्याज को छोड़ के अगर मंदिर आप जाते तो कितना अच्छा रहता है, ये बताइए। आप लोग ये भी बोल रहे हैं राम मंदिर जी, तो राम मंदिर बन जाएगा जी, फिर जनता क्या चाहेगी, जनता सहने भी न मिले जी जी, मोदी तो छोड़ना चाहिए ना जी। योगी बाबा को 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं आप? हम एक तो नंबर नहीं, एक नंबर नहीं देंगे, ऐसे क्यों? बहुत नाराज है आपको लगता है। तो 2024 में हमसे नहीं, वो जो गरीब हैं। हाँ। जो मसीहा उनसे पूछिए जी, वो बताएंगे जवाब एकदम अच्छे देंगे। अब नौतनवा विधानसभा आइए जी, तब तक पूछिए, वहाँ गरीब तो सताते हैं, बहुत ज्यादा सताते हैं जी। कोई योगी जी का अगर कोई काम आपको पसंद आया हो तो बता दीजिए। दो ही काम नहीं है बात, यदि हमारे राष्ट्रीय जज जी जी ये हाईवे एकदम बढ़िया बनवाए हैं, आदरा एक्सप्रेस उनका रोड देखिए, हमारे आप महाराजगंज में जाएंगे सब छोटा फोटा रोड है जी, वो तो बनवाइए। आप बोले थे बिजली माफ करेंगे, उसको माफ करिए ना आप, फिर तब चुनाव आएगा, फिर बोले ना मैं तरुण रहो तरुण कुछ नहीं जी, तो ये सामने नहीं हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री के तौर पे देखा जाए तो अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के तौर पे? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के तौर पे। अबे देखिए जो ये तरह निशारे नया जी, उसमें 700 रुपया चीज चल रहा है, गरीब कैसे जाएंगे आप, छोड़ दे तो और फायदा, 700 रुपया चीज जा रहा है।
एक आखिरी सवाल पूछेंगे, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा और बीजेपी कितनी सीटों पर समटेगी? हमारे अच्छी अच्छी सी सपा इसलिए भाजपा नहीं जी, भविष्यवाणी आपकी है एकदम, इस बार किसकी सरकार? फिर हमारे अखिलेश यादव जीते सरकार बनेगी और भाजपा कहाँ जाएगी? भाजपा हम जाएगी, पहले था मोदी जी चाय बेचा था ना, अब वो चाय वाले बच्चे गए हैं जी, चाय बेचने के लिए यहाँ से हुंकार भर रहे हैं, यानी आप देख सकते हैं हाइट छोटी है, उम्र छोटी है, जज्बा बड़ा है, क्योंकि लाल टोपी और गले में गमछा, लाल टोपी का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्रांतिकारी का, और वही जज्बा लेकर यहाँ से सीधे बता दे रहे हैं कि इस बार 2024 में चाय बेचने के लिए तैयार हो जाएं प्रधानमंत्री जी, यही आप कह रहे हैं जी।